उदयपुर के गणपत पाटिल नगर में ममता आर नॉर्थ वार्ड के अधिकारी बिना किसी नोटिस एवं पूर्व सूचना दिए ही पिछले दिनों बड़े पैमाने पर तोड़क कार्रवाई की। ममता की मनमानी के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने आर उत्तर वार्ड पर मोर्चा निकाल कर खूब प्रदर्शन किए। गणपत पाटिल नगर की आबादी लगभग 25,000 से अधिक है। यहाँ भारी संख्या में वोटर हैं। नेतागढ़ उनका वोट तो लीगल मानते हैं, परंतु उनके झोपड़े को लीगल नहीं मानते हैं। ममता के अधिकारी यहाँ के झोपड़े को अवैध बताकर हर माह तोड़कर कार्रवाई करते हैं। जहाँ से उनको पैसा मिलता है वहाँ तोड़क कार्रवाई ममता के लोग नहीं करते। कांग्रेस नेता शशिकला पांडे ने लगाया है। पिछले दिनों ममता ने शशिकला पांडे के कार्यालय को भी तोड़ दिया। ऐसा सनसनीखेज आरोप कांग्रेस नेता शशिकला पांडे ने लगाया है। पिछले दिनों ममता ने शशिकला पांडे के कार्यालय को भी तोड़ दिया था। यहाँ बीएमसी में मोर्चा काढ़ा हमने, हमारे यहाँ एक गणपत पाटिल नगर गली नंबर 1 में विदाउट नोटिस का मेरा ऑफिस और हमारे यहाँ के कुछ घरों तोड़े गए हैं। जिसको नोटिस नहीं दिया गया है उनको पूछा गया कि आपने क्यों तोड़ा, तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। आज मोर्चा का कारण यही है कि हमारा घर जो तोड़ा गया, मेरी ऑफिस जो तोड़ी गई, जो वहाँ के घर जूने तोड़े गए 24 साल पुराने, उसका वो जवाब दे रहे। दूसरी बात कि हमारे एरिया में कोई भी विदाउट नोटिस के वहाँ पे एंट्री न लेवे। और तीसरी बात है कि हमारे यहाँ अमूल गावित जो यही है और संतोष पाटिल, संतोष रमाकांत पाटिल और लाड मुकादम लाड को यहाँ से ताबड़तोड़ सस्पेंड किया जाए या तो यहाँ से बदली किया जाए और हमें लीगल परमिशन दिया जाए कि जो हमारे घर तोड़े हैं उसको उन लोग लेखित में हमरे बनाने की परमिशन दे। हमने कुछ पता नहीं, हमने कुछ बताया नहीं गया है, अचानक में आए और तोड़ना चालू कर दिया। 24 साल पुराना मेरा कार्यालय था। अगला बार अगर हमें नहीं देंगे तो फिर हम धरना वो उपासन पर बैठेंगे। आज अगर हमें विजय कामले अगर हमें जवाब नहीं दिए, हमें लेखित में परमिशन नहीं दिए, जो हमारी मांग है अगर वो पूरी नहीं की है तो फिर हम यहाँ उपासन पे बैठेंगे। ये हमें भी नहीं समझ में आता है ना कि गणपत पाटिल नगर के पीछे की एरिया, दहीसर में बहुत सारी ऐसी एरिया है कि जो गणपत पाटिल नगर के 5-10 साल के बाद बसी है। आज वहाँ पे पानी है, लाइट है, रोड है, डबल मालिया बन गया है, लेकिन गणपत पाटिल नगर एक ऐसी बदलों से भी एरिया है कि जहाँ आज भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, न कोई वहाँ नेता आगे कर, सिर्फ एक काम हो रहा है कि बस बीएमसी जब चाहे उनके बाप का राज है, जब चाहे बुलडोजर चला दे रहे और चला के आ जाते हैं। ये मुझे जैसा सुनने में आया है कि ये कोई बिल्डर है जो पार्टी लेवल वालों को लेके साथ में, बीएमसी को लेके साथ में वहाँ का एरिया साफ करना चाहता है कि जैसे वहाँ पे एरिया भरनी हो चुकी है, प्लेन प्लॉट हो चुका है, अच्छी खासी उनको रकम मिलेगी या मिला भी होगा। अगर बीएमसी डिमोलेशन करती है तो उनको वड़ा पाव भी नहीं मिलता है, लेकिन अब जब डिमोलेशन कर रही है तो उनको मटन का, दारू का पार्टी दिया जा रहा है, डब्बा डब्बा भर भर के मटन आ रहा है। जैसे आल उत्तम नप्पा में यहाँ के सहायक आयुक्त विजय कामले आए हुए, तब से वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं एक पत्रकार भी हूँ, आरटीए कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने विजय कामले का आरटीए डाला था, उसके बदले में उन्होंने बदले की भावना से आके उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। और इसी प्रकार से मैं गणपत पाटिल के लिए कहना चाहूंगा कि गणपत पाटिल एक उत्तर भारतीयों की बस्ती है और उत्तर भारतीय यहाँ पे 90% होने के कारण बार बार बीएमसी यहाँ पे आके डेमोलेशन करती है। और गणपत पाटिल के लिए, उनके हक के लिए यहाँ की एक ही महिला दबंग लीडर है शशिकला पांडे जी, जिसको उन्होंने टारगेट पे लिया है कि अगर हम शशिकला पांडे को दबा देंगे तो इस गणपत पाटिल को उखाड़ना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं कहूंगा कि कोका कोला कंपाउंड था जो कि अमीरों, जिसमें
करोड़पति रहते थे वो हजारों बार सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का नोटिस दिया, लेकिन बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे की हिम्मत नहीं हुई तोड़ने की। लेकिन जहाँ पे गरीब झोपड़पट्टी और उत्तर भारतीय रहते हैं उससे बिना नोटिस के बदले की भावना से अब वहाँ पे मनप्पा के अधिकारी पूरे दमखम के साथ आकर तोड़ के जाते हैं। अगर यही मनप्पा के अधिकारी इनकी मिली भगत नहीं हो तो कोई भी भूमि माफिया घर नहीं बना सकते, लेकिन यही पहले बनाते हैं और बाद में जो समाज को इनको सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे शशिकला पांडे जी जिनके उन्होंने बिना नोटिस के ऑफिस तोड़ दिया, हम इनका ट्यूर बहिष्कार करते हैं और जल्द से जल्द इनका ऑफिस बनाने की परवानगी दे और गणपत पाटिल को अथोराइज किया जाए जिससे यहाँ के रहवासियों को न्याय मिले और पानी बिजली जो भी समस्या मूलभूत समस्या महिलाओं की समस्या बाथरूम की समस्या वो सब इनको हक अब मिलना ही चाहिए। नहीं तो जब तक ये हक नहीं मिलेगा शशिकला पांडे के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे मोर्चा होगा और ये मोर्चा बढ़ते ही जाएगा और यहाँ पे इसके बाद भूख हड़ताल अनशन भी होगा।